एवरीवन, माईसेल्फ अमित कुमार, फैकल्टी इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आरपीआईटी टेक्निकल एंड मेडिकल कैंपस। टुडे इज माय टॉपिक इज फाउंडेशन इन कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट वन, व्हाट इज फाउंडेशन? फाउंडेशन इज अ लोवेस्ट पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ ए सिविल स्ट्रक्चर दैट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सोइल एंड ट्रांसफर द लोड स्ट्रक्चर टू द सोइल सेफली। जनरली फाउंडेशन आर कंस्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउंड सर्फेस एंड ट्रांसफर द सुपर स्ट्रक्चर लोड टू द सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर इन ए बिल्डिंग इज डिफाइंड एज विच आर कंस्ट्रक्टेड अबव द ग्राउंड सर्फेस नोन एज सुपर स्ट्रक्चर इन ए बिल्डिंग। ऑन द अदर साइड सब स्ट्रक्चर इन ए बिल्डिंग, सब स्ट्रक्चर इन ए बिल्डिंग इज डिफाइंड एज विच आर कंस्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउंड सर्फेस इज नोन एज सब स्ट्रक्चर इन ए बिल्डिंग। फाउंडेशन आर क्लासीफाइड इंटू टू कैटेगरी, शैलो फाउंडेशन एंड डी फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन इज डिफाइंड एज इन विद द ट्रांसफर द लोड टू ए स्टेटम प्रेजेंट इन ए शैलो डेप्थ। इन शैलो फाउंडेशन विड्थ ऑफ द फाउंडेशन इज मोर देन डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। ऑन द अदर साइड डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन इज डिफाइंड एज ट्रांसफर द लोड टू ए डीपर डेप्थ बिलो द ग्राउंड सर्फेस। इन डीप फाउंडेशन डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज मोर देन विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। पर्पज ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन आर प्रोवाइडेड फॉर द ऑल लोड कैरिंग स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग पर्पज। फाउंडेशन आर मेन रीजन बिहाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रोंगर इज द फाउंडेशन, मोर स्टेबल इज द स्ट्रक्चर। प्रॉपर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन गिव ए प्रॉपर सर्फेस एंड डेवलपमेंट ऑफ ए सब स्ट्रक्चर इन ए प्रॉपर लेवल। प्रॉपर फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूट लोड ऑन द सर्फेस ऑन द बेड यूनिफॉर्मली। दिस यूनिफॉर्मली ट्रांसफर हेल्प इन अवॉइडिंग अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द बिल्डिंग। डिफरेंशियल सेटलमेंट इज एन अनडिजायरेबल बिल्डिंग इफेक्ट। फाउंडेशन सर्व द पर्पज ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू ए लार्ज ओवर द लार्ज बेस एरिया एंड दिस ट्रांसफर टू लोड टू द सोइल शुड बी इन अलाउएबल लिमिट। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन एंड देयर यूजेस। शैलो फाउंडेशन इज कैटेगराइज इंटू फोर कैटेगरीज, इंडिविजुअल फूटिंग, कंबाइंड फूटिंग, स्ट्रिप फूटिंग, राफ्ट और मैट फाउंडेशन। इंडिविजुअल और आइसोलेटेड फूटिंग इज डिफाइंड एज इन विद द सिंगल आइसोलेटेड फूटिंग। दिस टाइप ऑफ फूटिंग इन विद द लोड ट्रांसफर टू ए शैलो डेप्थ। ऑन द अदर साइड कंबाइंड फूटिंग, द कंबाइंड फूटिंग इज डिफाइंड एज इन विद द टू और मोर फूटिंग आर कंस्ट्रक्टेड एंड दिस टू और मोर फूटिंग आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द ग्राउंड सर्फेस एंड लोड ट्रांसफर टू द शैलो डेप्थ इज नोन एज कंबाइंड फूटिंग। स्ट्रिप फाउंडेशन, स्ट्रिप फाउंडेशन इज डिफाइंड एज इन विच द टू और मोर फाउंडेशन आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द ग्राउंड सर्फेस एंड कनेक्टेड बाय बीम। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज स्ट्रिप फाउंडेशन। Raft foundation is also known as mat foundation. This type of foundation are all used where soil bearing capacity is very low. In this foundation, the load transferred to a RCC cover slab to a large base area. This type of foundation is used. Deep foundation categories two foundation, pile foundation and chasm foundation. Pile foundation is defined as in with the load transferred to a deeper depth is known as pile foundation. Pile is made up of cylindrical member made up of steel, concrete and RCC pile and driven into a ground and to a deeper depth. Classification of pile according to transmission of load: friction pile, cohesion pile, combination of friction and cohesion pile. Piles classification according to material: steel pipe, timber pile, RCC pile. On the other side, chasm foundation. Chasm foundation are constructed in India, constructed for a bridge in India. This type of foundation are used in which the load are subjected to a lateral force. This type of chasm foundation are used. Thank you very much. My topic on foundation is complete. Thank you.